हाय फ्रेंड्स, कंगना कैके के बारे में ये कहना चाहती हूँ। कंगना कैके भाइयों भाइयों में लड़ाने वाली, हिंदुस्तान में वॉर कराने वाली, कोरोना के टाइम पर सब लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों के घर में तबाही हो गई, हिंदुस्तान में आर्थिक समस्याएं हो गई, लोगों के पास से काम छीन गया, लोग तकलीफ़ में बैठे हैं। और कंगना कैके जो लोगों में आपस में लड़वा रही है, मुंबई को पीओके कह रही है, बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को बदनाम कर रही है, गाली गलौज कर रही है, पता नहीं इनके रगों में कैसा खून है, ईश्वर जाने। और एक तरफ चाइना हिंदुस्तान पर वॉर कर रहा है, हिंदुस्तान चारों तरफ से ऐसे घेरे में आया है, और कंगना कैके इतना गलत बोल रही है मुंबई के, महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में। कंगना अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्यता, संस्कारी, आदर्श वाली समझती है, तुम्हारे आदर्श कहाँ गए जब एक केंद्रीय मंत्री अठावले साहब आपके घर पे आए आपको समर्थन देने के लिए, और आपने उनके सामने माफी मांगी। और तुम अपने आप को कौन सी कहाँ की महारानी समझती हो? आपके पिता समान वो इंसान है, केंद्रीय मंत्री है, और उनके सामने तुम किस हिसाब से बैठी, शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, टांगे ऊपर रख के बैठी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं है केंद्रीय मंत्री के सामने और तुम्हारे पिता समान इंसान के सामने जो तुम्हारे समर्थन में आए थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपस में सारी पार्टियों को लड़वाती और बॉलीवुड को बुरा कहती हो कि बॉलीवुड में सब ड्रग एडिक्ट है, सब नहीं है, कुछ लोग होंगे, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, कुछ लोग हो सकते हैं, मेरा कंसर्न नहीं है कौन ड्रग एडिक्ट है। अठावले जी, पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए था, अगर आप गए हैं तो किस हिसाब से वो आपके सामने, आप एकदम ऐसे एकदम बैठे थे और आपके सामने कैसे टांगे ऊपर रख के बैठी है, आपका सम्मान नहीं किया, आपको मान नहीं दिया, मुझे बहुत दुख हुआ है अठावले जी, बट मैं आपको मान देती हूँ क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है और मेरे बड़े भाई हैं अठावले साहब, रामदास अठावले जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए। लेकिन आपने मीडिया में बहुत अच्छा हुआ कि कंगना रावण है, कंगना रावण है, ये आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना रावण है, मुझे ये आपकी बाइट मिली, धन्यवाद आपको ये कहने के लिए। आपस में सबको लड़वा रही है, कंगना रावण, कंगना रावण रावण जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके, मुझे दुख हुआ ये कहते हुए कि जब गवर्नर को, गवर्नर साहब को मिलने गए तो बहुत सभ्यता के साथ गई, कमल वमल के पता नहीं क्या फूल तोड़े और साड़ी वाड़ी पहन के बहुत सभ्यता से गई वहां पर, क्योंकि वो उत्तरांचल से थे, उनके वहां से तो काफी रिस्पेक्ट दी। लेकिन हमारी पिछड़ी समाज के नेता अठावले साहब को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, टांगे ऊपर करके बैठी। बहुत दुख होता है मुझे, पिछड़े समाज वालों का ऐसा बेइज्जती करते हैं, बहुत दुख हुआ मुझे। हमारे नेता केंद्रीय मंत्री अठावले साहब को रिस्पेक्ट नहीं दी, कोई लड़की ऐसे बैठेगी क्या? कोई लड़की ऐसे नहीं बैठेगी, जो संस्कारी होगी ऐसा कभी नहीं बैठेगी, हर इंसान की इज्जत करेगी।